नमस्कार दोस्तों, मैं रीता स्वागत करती हूँ आपका रीता जी बिहारी किचन में। तो देखिए दोस्तों, ये आज हम सब्जी लिए हैं काट के। ये अदरक है, ये धनिया का पत्ता है और ये लहसुन है 1 फुट, इसको छील के काट लिए हैं। और इधर हरा मिर्चा लिए हुए हैं और प्याज 1 काट के ले लिए हैं। इधर ये गोलकी है, गोलकी को छोटे छोटा खल से कूट लिए हैं। तो चलिए सत्तू बनाते हैं, जो लिट्टी बनता है सत्तू भर का। तो 1 कप हम इसमें सत्तू लिए हैं, और आप कोई भी सत्तू ले सकते हैं, चना या गांव का सत्तू या घर का सत्तू। तो देखिए हम सत्तू ले लिए, इसमें प्याज डालेंगे कटा हुआ। देखिए हम छोटा छोटा एकदम प्याज काट लिए हैं, लहसुन को काट लिए हैं, अदरक को हम कद्दूकस कर लिए हैं, ये हरा मिर्च है और लाल मिर्च है, दोनों को मिक्स करके हम काट लिए हैं एकदम मेही मेही। यहाँ पर अब ये कद्दूकस किया हुआ मंगरेला जवान डाल देते हैं 1 चम्मच। यह देखिए हम अचार का इसमें तेल और मसाला डाल रहे हैं, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो अलग अलग तेल मसाला डालें। नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। देखिए यह अचार है आम का, खट्टा होने के लिए हम इन अचार का गुठली निकाल के इसमें डाल लेंगे। और ये देखिए कूटा हुआ गोलकी है, काली मिर्च, इसको कूट लिए हैं। अभी इसमें को मिला देते हैं एकदम अच्छी तरीके से, मिला ले, इसमें कोई ज़्यादा अथी नहीं है। इसका ये सत्तू बनाइएगा, मतलब लिट्टी बनाइएगा सत्तू भर के, तो बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है, एकदम तुरंत बन जाएगा। तो सबको मिला लेते हैं। देखिए इसको हम मिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है। अगर आपको लगे कि ये नहीं हो रहा है सही से, मतलब मुट्ठी बना जाना चाहिए, तो अगर नहीं बना है तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए और पानी लेके इसको मिला दीजिए, एकदम भर भरा रहना चाहिए। तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिए हैं और पानी भी डाल के इसमें मिला लेंगे। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये नहीं टूट रहा है, मतलब लड्डू के जैसा हो जा रहा है। तो ऐसा ही आपको भुरकुंडी बनाना है, सत्तू का भुरकुंडी हम लोग बोलते हैं। इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे, ये इससे बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, खुशबू भी खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसमें धनिया का पत्ता डाल लें आप खूब सारा। और चलिए हमारा भुरकुंडी तैयार हो गया है, अब आटा सान लेते हैं। तो देखिए हम आटा लिए हैं, मेरा 250 आधा किलो आटा है, आपके घर में जितना आदमी है उस हिसाब से आटा ले लीजिए। उसमें नमक डाल लीजिए, हम नमक डाल लिए हैं 1 चम्मच, और सबको मिला लेंगे और आटा सान लेंगे। आटा को थोड़ा थोड़ा पानी दे के कड़ा आटा सानिएगा, मुलायम नहीं सानिएगा, कड़ा आटा का लिट्टी ज़्यादा अच्छा होता है। तो कड़ा आटा मतलब बहुत कड़ा नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल कराया आटा लीजिएगा। इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम सान रहे हैं। तो देखिए हम आटा को एकदम करा लिए हैं, ज़्यादा मुलायम नहीं किए हैं, बहुत करा भी नहीं किए, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा करा लेना है बस। और देखिए हम सान के छोड़ दिए थे 2 मिनट के, फिर इसको मिला लेते हैं। कभी भी आप आटा सान तो इसको सान के छोड़ दें, उसके 5 मिनट बाद उसको आटा को मिला लें, बहुत अच्छा आटा बन जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है आटा। तो देखिए इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम रिफाइंड डालेंगे। आप जिस तेल जो तेल भी खाते हैं उसमें भी आप ये लिट्टी बना सकते हैं। तो हम रिफाइंड और सरसों का तेल दोनों खाते हैं, अभी फिलहाल रिफाइंड डाल दिए गर्म होने के लिए, जब तक इधर लिट्टी भर लेते हैं। तो देखिए छोटा छोटा लोइया काट लिए हैं, इसको हाथों की सहायता से गोल कर लेंगे काट के। दोनों हाथों की सहायता से इसको गोल कटोरी की तरह बना लेंगे। और ये बहुत आसान है एकदम बनाना, जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करो, टाइम नहीं है, अगर बाहर आप कहीं जा रहे हैं तो बना सकते हैं। तो देखिए इसमें जो भुरकुंडी बनाए थे, स्टेपिंग जो भी बोलते हैं आप लोग, हमारे तरफ भुरकुंडी बोला जाता है सत्तू का, तो वही बनाए हैं, इसमें भर लिए हैं। देखिए अब इसको हाथों की सहायता से गोल गोल करना है कटोरी की तरह। देखिए एकदम गोल गोल हो गया है, इसको गोल करके एकदम अंदर पैक कर दिए सत्तू। देखिए तो ये हमारा सत्तू भरल बन गया है, देखिए एकदम अच्छी तरीके से जैसा हमको चाहिए था वैसा। इसको रख लेते हैं और बना लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, कि जब भी हमारा वीडियो बने तो आपको मैसेज मिल जाए। तो देखिए दूसरा भी, जैसे हम पहला वाला भरे थे इसी तरह दूसरा भी भर लेते हैं।
देखिए इसको गोल कटोरी से बना लिया, इसको भी इसमें उसी तरह भुरकुंडी भर लेंगे, इसको पैक कर देंगे। ये बहुत भरना आसान है, बनाना बहुत आसान है, तो आराम से बने। कहीं बाहर उहर जा रहे हैं तो आपको बाहर के लिए ये सत्तू भर का लिट्टी बहुत आसान होता है और बहुत तरीके से बनता है। आकर बनता है, एक पानी में उबाल के बनता है, सीधे तेल में फ्राई करके बनाया जाता है। तो बहुत सारा वीडियो है, हम डाल देंगे। तो देखिए हम सब भर लिए हैं, सब देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम एक से सब भर लिए हैं। तो चलिए तेल गर्म है, उसमें हम डाल देते हैं इसको एक एक करके। तो देखिए तेल को बहुत तेज ना करें, मीडियम से थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि जब बहुत तेज तेल रहेगा तो ये लिट्टी ऊपर से जल जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। तो इसको धीरे धीरे थोड़ा मीडियम से कम ही आंच पर रख के इसको पका लें। तो देखिए ये हमारा हो गया है, एक तरफ से उलट लेते हैं, दोनों तरफ से इसको उलट पुलट के पका लें। तो देखिए हमारा लिट्टी लगभग तैयार हो चुका है, दोनों तरफ से इसको उलट पुलट बनाते रहिए, पकाते रहिए, बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। कहीं आप ट्रेवल में है तो इसके लिए आपका नाश्ता बहुत अच्छा है। लिए इसका इसको हम निकाल लेते हैं, सबको निकाल लेते हैं, जो बाकी बचा हुआ लिट्टी उसको भी बना लेते हैं। तो ये आप लिट्टी जो बनाएंगे इसको चोखा के साथ भी आप खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, भुंजिया के साथ खा सकते हैं, और फिर इसको हम घुघनी बनाए हैं, घुघनी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे लिट्टी चोखा तो बिहार का फेमस खाना है, लेकिन लिट्टी घुघनी भी बिहार का फेमस ही खाना है। तो कभी आप इस वीडियो के हिसाब से बनाइए, वीडियो की तरह, और खाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और देखिए आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं एकदम अंदर तक पका हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। वीडियो